morning class 5. Now you know that there are mainly three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Present tense is again divided into four kinds of tenses. The first is present indefinite tense. You may say it simple present tense. आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हो, कह सकते हो, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पुराना नाम है इनका. तो जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, इनमें हमेशा इसी टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. ओके, रूल प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया है, फिर बता रही हूं. देखिए यहां ध्यान दीजिए, प्लूरल नंबर जब रहेगा, प्लूरल के साथ, बल्कि आप ये भी देख लीजिए, ज्यादा आसानी रहेगी. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा. और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस का यूज होता है. ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डस का यूज करेंगे. आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डस. अब देखिए यहां पर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में एक्सरसाइज ए में फिल करना है. ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में केवल ये केयर करना है कि किसके साथ वर्ब में एस ई एस आना है, किस सब्जेक्ट के साथ और किस सब्जेक्ट के साथ नहीं. उसकी गाइडलाइन यहां पे आपको दे दी गई है, आप बार बार देख के करेंगे. से इट है तो देखिए, ही, शी, इट के साथ वर्ब में चेंज होना है तो रेन का हो जाएगा रेन्स. वाटर है, इसका प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर होता है क्योंकि मटेरियल नाउन है, तो सिंगुलर के साथ देखिए एस लगना है, इसलिए कलेक्ट्स, कलेक्ट का कलेक्ट्स. मैनी पीपल है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ कोई चेंज नहीं होना है, इसलिए देखिए कलेक्ट. ठीक है, इसी तरह से बेटा ये पूरा सॉल्व किया गया है. अब इसमें देखिए क्या करना है, बी में, आप बड़े बच्चे हैं इसलिए गाइड कर रही हूं. यहां वर्ब की लिस्ट दी हुई है, यहां सेंटेंस दिए हुए हैं, किस सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ब सूट करेगा वो पहले सेलेक्ट करना है, और फिर सिंगुलर के साथ आपको वर्ब में एस सी एस लगाना होगा, प्लूरल के साथ नहीं लगाना होगा. आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप कोई चेंज वर्ब में नहीं करेंगे. देखिए द क्लॉक सिंगुलर है, यहां स्ट्राइक दिया है लेकिन आप स्ट्राइक्स फिल करोगे. चिल्ड्रेन प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां पे हो जाएगा कोई चेंज नहीं, द चिल्ड्रेन लाफ. मंकी सिंगुलर है इसलिए जंप्स, हैन सिंगुलर है इसलिए लेज, प्लमर सिंगुलर है इसलिए रिपेयर्स एस लगा है, बॉय सिंगुलर है इसलिए टीजेस, गर्ल्स प्लूरल है इसलिए नो चेंज, पायलट्स प्लूरल है इसलिए नो चेंज. ओके, बार बार रीडिंग करने पर आपको ये ज्ञान होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाया जाए. इस एक्सरसाइज में अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है. नेगेटिव सेंटेंस में डज डू का यूज, इंट्रोगेटिव में भी कैसे करेंगे देखिए. शी एक्ट, एक पहचान ये भी है, वर्ब में एस लगा है, नेगेटिव बनाना है तो शी डजेंट हो जाएगा. डज नॉट को शॉर्ट में करते हैं डजेंट, शी डजेंट एक्ट ऑन टेलीविजन. एक बात और केयर करना होगा,
जब यहाँ डज लगाएंगे तो ये वर्ब का एस हट जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है, डज सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, डू या डज पहले आ जाएगा। डज शी एक्ट ऑन टेलीविजन, देखिए डज आ गया तो यहाँ पे एस हट गया। अब है यू वॉन्ट टू आस्क योर क्लासमेट टू हेल्प यू, नेगेटिव बनाना है तो यू डू नॉट वॉन्ट, बाकी सब कुछ वही। इंट्रोगेटिव बनाना है डू यू वॉन्ट, बाकी सब कुछ वही। तो थोड़ा समझ के करिएगा, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बुक में करेंगे, डू इन बुक, ओके। ये आज का आपका होमवर्क है, और बार बार रीडिंग करेंगे तब आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा सेंटेंस का, ओके बेटा। बहुत ही कायदे से देख करके लिखिएगा, रॉन्ग ना हो।